Yes, good morning. Welcome back to another vlog. आज के दिन है संडे और मैं हो चुका हूँ. I'm tired and I need my bed. There were two things that I was thinking अभी इस वक्त. मतलब एक बार टिप एंड टॉप तो जाऊँगा ही. मतलब उसके और व्यूज चाहिए मुझे. मतलब और नज़ारे चाहिए. I just wanted to go there. I just hope that people aren't there अभी इस टाइम पे. और दूसरी चीज़ जो मेरे को करनी है वो ये है कि बाल सेट कराने. They look so bad without like the hair dryer thing. And I've spoiled my hair, I believe. There is, I'll have coffee अभी. मैं नहा लिया हूँ, तैयार हो गया. फिर आप देख रहे हो मेरी आवाज़ में. कॉफ़ी आ गई है, ध्यान से पकड़ना पड़ेगा इसको वरना ये स्पिल हो जानी है. चौक है, इससे इधर जाओगे तो व्यू पॉइंट्स आएंगे. लैंसडाउन से भी जा सकते हो. और इधर घर जाने का रास्ता है हमारे. वही ठंडी सड़क है जहाँ पे रात को आए थे चांद की फोटो लेने. Just wanted to come here to see the sun now. मैं सोचा this should be the last thing I do today. Trailing can be a good activity. I've done in the morning. पूरा जंगल है इधर. Scared. I'm way too deep into this. But if anything wild follows me, what can I do? Nothing. Right? Should carry a stick though. मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं यार. और छोटी सी भी आवाज़ अच्छी आती है तो you get a little paranoid. कोई एक इंसान तो मिले आगे. पर दिन का टाइम है यार. अगर मैंने नहीं बताया तो ये जो एरिया है वो है ठंडी सड़क. ये सड़क जो है वही है ठंडी सड़क. और क्या ही व्यूज है यहाँ पे. यही गजब व्यूज है. Oh my God, just spotted a deer. I don't know. ये भी भूल गया कि ये क्या होते हैं. वाइल्ड बोर. रियली होप दे आर हार्मलेस. आई डोंट थिंक दे डू एनीथिंग. दे आर हार्मलेस. डियर्स ही हैं यार. दे लुक लाइक डियर्स टू मी. यहीं कहीं पे स्प्रेड हो गए. बट ये ट्रेल तो अकम्प्लिश हो गया. नेवर थॉट कि आई गेट टू सी अ वाइल्ड एनिमल दिस वाइल्ड एवे टहलते हुए. देखो ऑल द मोर रीजन्स टू डू दिस नाउ. एवरीवन हु इज वॉचिंग इट, कर लो भाई ये वाला ट्रेल. तो यू माइट स्पॉट अ लेपर्ड ऑल्सो. नाउ आई एम स्केर्ड. अरे दिस सड़क एंडेड ऑन दिस रोड. सीढ़ियाँ बना दी ऊपर चढ़ने के लिए सड़क पे. दो मिनट दूर चर्च हो जाना चाहिए अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. Which bird is it? Found daisies again. Hello daisies. पर भाई यहाँ चर्च किधर है? चर्च होना चाहिए ना. यहाँ तो सिर्फ सड़क ही सड़क है. ठंडी सड़क बोल के ले आए. शॉर्टकट होता है क्या ये? पता नहीं. अब तो बस सामने तो मेरे को सड़क ही दिख रही है. अब क्या करे आदमी. अब
यार भाई दिखाई दे रहा है किसी को? 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से बैंक, जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है भाई। ठंडी सड़क से अगर आओ तो ये जरूर ध्यान रखना, कुछ है ही नहीं आगे। इस चीज का धन्यवाद भाई, हम तो कुछ है ही नहीं। 8 ही बजे वैसे सुबह के, अच्छा लगा मुझे यहाँ तक वॉक करके, पर मैंने बैग वैग टांगा हुआ है। अगर मैं ये सड़क फॉलो करूंगा तो ये ऐसे ऐसे करके जा रही है, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा मेरे को। शुड आई फॉलो द सेम रूट एंड गो बैक, और शुड आई वेट फॉर समवन टू कम एंड होप दैट दे ड्रॉप मी? टैक्सी वाला एटलीस्ट कोई, आई थिंक दैट्स अ बेटर वे। आई गो रोड से, कोई भला आदमी मेरे को नीचे तक ड्रॉप कर देगा। नहीं मैं अकेला ही, मैं बंदों में सोच रहा था काफी, वो कॉलेज में सोच रही थी कि अकेले आएंगे तो कभी हुआ नहीं, तो अभी एक लंबी छुट्टी पड़ी थी बीच में, तो मैंने सोचा कि एक बार हो ही आता हूँ। यहाँ बर्ड्स भी बहुत सारे स्पॉट हो जाते हैं अलग अलग, ये मेरे को अच्छा लगा। आप यहाँ पे नहीं रहते? ओके थैंक यू। एडवेंचर हो गया बहुत सारा, घर जाने का मन कर रहा है ना मेरा भी, कर रहा है ना ऐसा मन कि घर चले जाए। यार मैं नहीं सोच रहा था कि कोई मेरे को लिफ्ट दे देगा, और वो तो एकदम इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था कि भाई लिफ्ट ले लेते हैं। हो गया आज का एडवेंचर, गुड जॉब। आज टाइगर रिजर्व नहीं जाएंगे हम, टाइगर रिजर्व स्पेसिफिकली सिर्फ टाइगर रिजर्व करने के लिए आएंगे, और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, और आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बाय बाय लैंसडाउन, थैंक्स टू भले आदमी, ही ड्रॉप्ड मी। वेरी नाइस पीपल ऑफ उत्तराखंड, प्राउड ऑफ यू, नाइस पीपल, एंड वेरी नाइस ऑफ देम टू ट्रस्ट मी ऑल्सो। ऐसा अकेली सुनसान सड़क में कोई आपको मिल जाए तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे, है ना? एक इंसान ऐसे हेल्प करता है ना तो इंसानियत पे विश्वास आता है, कि आपकी अगर किसी ने हेल्प करी है ना तो आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है इंसानियत में। सो आई एम कमिंग डाउन एंड फ्रॉम डाउन लैंसडाउन, एक बार माइलेज देखो। 10 मिनट हुए हैं मुझे यार, ये तो ऐसे 40 की एवरेज दे देगी तो मैं जितना डाउनहिल चलूंगा और जितना कम मैं पेडल प्रेस करूंगा और जितना मैं सिर्फ गियर में चलाऊंगा गाड़ी, मतलब इंजन ब्रेकिंग यूज करके चलाते हैं ना डाउनहिल, तो और स्पीड भी कम रखूंगा तो ये माइलेज दे देगी फुल एवरेज। आप देखो ना एवरेज में वो पूरा मीटर जो है वो फुल है, और जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूंगा या स्पीड बढ़ाऊंगा गाड़ी की, देखना वो कम हो जाता है तो माइलेज कम हो गई। अगर मैं ऐसे धीरे 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 टुकुर टुकुर करके चलाता रहूंगा ना तो ये 40 की एवरेज दे देगी। तो ये भी कर लेते हैं यार, होटल्स एंड ये सब, ये 4 किलोमीटर दूर है लैंसडाउन से, तो थोड़े से सिटी के बाहर हैं, तो 4 किलोमीटर इज नॉट मच। लाइक इफ यू वॉन्ट टू स्टे यू कैन स्टे एट दीज रिजॉर्ट्स, और ये सारे रिजॉर्ट्स ही हैं, यहाँ पे खाना वाना अच्छा मिलेगा और ये सब। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो बुकिंग है ना उसको टाइमली कर लेना, कि एक हफ्ता पहले ही बुक कर लेना कि हमें यहाँ आना, और उनसे फ़ोन करके कंफर्म कर लेना। इससे ज़्यादा पेशेंटली मैं नहीं चला पाऊँगा, 33.5 है और ये बाय मिनट घटती जाएगी अगर मैं खड़ी रखूँगा तो। 33 की एवरेज, मैक्सिमम एवरेज 40 भी पहुँचा सकता हूँ मैं इसको। उत्तराखंड में ये चीज़ तो मैंने देखी, क्योंकि टूरिस्ट कम है तो वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है। मैंने जिंदा चलते डियर्स देखे हैं और मैंने आपको भी दिखाया है, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है।